नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया से रिलेटेड 2030 तक पता नहीं कितने हार्ड भी कानून बनेंगे, आपके लिए अच्छे भी बनेंगे, बुरे भी बनेंगे। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो सऊदी अरबिया में, दो टॉपिक पे बात करेंगे भाई, जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, साम दाम दंड वेट किसी भी तरीके से रहते होंगे। दूसरा, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग सऊदी से छुट्टी आ जाते हैं वापस नहीं जाते, उसका क्या हो सकता है भाई। जो लोग पहले सऊदी से छुट्टी आते थे उनका अलग प्रोसेस था, अभी सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी कर दी है। दोनों टॉपिक पे जानकारी पूरी बताएंगे, वीडियो पूरा देखिए भाई, सऊदी से रिलेटेड ये न्यूज होने वाली है आपके लिए, हो सकता है ये न्यूज इंपोर्टेंट रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। देखो भाई, सऊदी अरबिया ने के जो कानून है उनमें एक गाइडलाइन और जारी कर दी गई है कि अगर आप अप्रवासी मान लो, इलीगल मान लो, अवैध तौर से सऊदी अरबिया में रहते हैं। जी हाँ, अब सऊदी अरबिया में इलीगल कौन कौन हो सकते हैं। आप इंडिया से गए, किसी भी देश से सऊदी अरबिया में पहुंच गए, दो साल का वीजा था, आपका वीजा खत्म हो गया, तो आप वहां सऊदी में काम कर रहे हैं चोरी छिपे, या फिर आप सऊदी में कंपनी में गए, किसी सेठ के पास, किसी कफील के पास गए, दो चार महीने छह महीने वहां से भाग गए, पासपोर्ट आपका वहीं पड़ा, आप भाग गए, ऐसा होता था। आप लोगों को पता है सऊदी अरबिया में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, कंपनी छोड़ देते हैं तो भाग जाते हैं इलीगल तरीके से, गलत तरीके से सऊदी में रह के काम करना। जी हाँ, इस पे बड़ा एक अपडेट सरकार ने दिया है। इसका रीजन क्या है भाई, इलीगल आदमी इलीगली एक्टिविटी करता है तो वहां आपको पता है इसका सऊदी का कानून बढ़ा सकता है, इसका एक ही रीजन है भाई। तो 8 मिलियन से ऊपर लोग सऊदी में रहते हैं, जो लोग भी हैं, वीजा रेजिडेंशियल वीजा भी हैं, वर्कर भी हैं, बिजनेसमैन है, 8 मिलियन यानी कितने होते हैं 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और उनमें बता दूं सरकार ने अब तक लगभग 4.5 मिलियन से ज्यादा इलीगल वर्करों को निकाल चुकी है 2020 तक की बात करें तो। ये इलीगल वर्करों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको पता है कि जिस दिन पकड़े जाएंगे इंडिया चले जाएंगे, लेकिन सऊदी अरबिया एक अलग देश अलग कानून रखता है, आप सबको बताइए, वहां के लोगों को भी आप लोगों की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भाई 10 साल, 5 साल से लेकर 15 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। जी हाँ, ये सजा किन को हो सकती है ये इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि मान लीजिए आप किसी भी देश से आप चोरी छिपे वहां काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर पूरी कार्रवाई कार्रवाई होगी। अब इंडिया के लोग तो ठीक है इलीगल होते हैं, यहाँ से तो लीगल जाते हैं, वहां इलीगल हो जाते हैं। सऊदी के आसपास के और भी बहुत सारे देश हैं जो सीमा पार क्रॉस करते हैं, जैसे इंडिया में आते हैं ना पाकिस्तान से, बांग्लादेशी, इस तरह से वहां पर भी सीमा पार करते हैं बिना वीजा के, या किसी भी इलीगल तरीके से वो आ जाते हैं, चाहे समुद्री मार्ग से है, चाहे जमीनी मार्ग से आए, ठीक है, किसी तरीके से वो सऊदी में घुस जाते हैं, फिर वहां पे वो लोग काम करते हैं और इलीगल गलत काम भी करते हैं। और उनकी मदद करने वाला, इंपोर्टेंट, सऊदी सरकार ने मैसेज ये दिया है, उनकी जो मदद करेगा ना उनको सख्त सजा होगी। और भाई आप देख लो जिनकी मदद, तो फिर पता है आप इलीगल आदमी कितने दिन रुकेगा जब आप लोगों की वहां कोई हेल्प ही नहीं करेगा। हेल्प का मतलब मैं बता देता हूं, आपको कोई घर देता है, आपको कोई संरक्षण देता है कि ठीक है तू मेरे पास रह जा, आपको अपनी गाड़ी देता है कोई भी मालिक वहां का या दूसरे देश का, इलीगल आदमी को जिनके पास वीजा नहीं है, गलत तरीके से रह रहा है, आपको जॉब देता है या आपको अन्य कोई सुविधा देता है, उसके ऊपर सीधा सीधा बता दूं 5 साल से 10 साल की सजा है। और बता दूं 10 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा, 10 लाख 1 मिलियन सऊदी दिरहम का जुर्माना लगेगा। अब आप समझ सकते हैं भाई, अगर इतना बड़ा सरकार कदम उठाएगी तो आप लोग जो इलीगल हैं उनको कौन रखेगा, यूं होगी ना पीछे से, सऊदी का कानून है, इंडिया का थोड़ी है कि निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी जो इलीगल वर्कर हैं वो सऊदी छोड़ दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं भाई, सऊदी अरबिया में आज तक ऐसे ही हो रहा था कि बहुत सारे लोग कंपनी में जाते हैं, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से कंपनी से इंडिया या अपने देश आते हैं छुट्टी के लिए, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं जाते। उनके दो रीजन हो सकते हैं, कंपनी ने टाइम पे तनख्वाह नहीं दी, कंपनी में काम हार्ड होता है, या फिर कंपनी अच्छी नहीं है। ये रीजन मान के बंदा सऊदी से छुट्टी आता नहीं जाता है, वो ठीक है छुट्टी आया वापस नहीं गया, 2 साल का उसके ऊपर बैन होता है, फिर वो वापस चले जाता है। जी हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा सऊदी में होता है। तो सऊदी सरकार ने भाई साफ बोल दिया है
कि जो लोग सऊदी से छुट्टी जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा, अगर आप वापस नहीं आओगे तो आपके ऊपर एंट्री बैन कर दी जाएगी, यानी हो सकता है लाइफ टाइम भी ये कानून अभी अगर अमल में लाया जाए तो लाइफ टाइम के ऊपर बैन की जा सकती है कि जो आदमी सऊदी से कंपनी में छुट्टी काट के वापस नहीं गया उसको सऊदी अगर आप टाइम पे नहीं जाओगे तो वीजा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लाइफ टाइम आपको सऊदी से बैन किया जा सकता है। तो ये दो ऊपर वाली अपडेट राइट है, ये अपडेट है वो आप अपने स्तर पे आप पता लगा लीजिए कि भाई रियल में ये कानून कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है जो छुट्टी आ जाती है वापस नहीं जाती है, कंपनी को बहुत लॉस होता है उसमें, क्योंकि वीजा कंपनी हमेशा देख लेना कि जैसे आप 2 साल से छुट्टी काट के आते हो तो आपका वीजा लगने के बाद कंपनी भेजती है, ऐसे बहुत सारे जब कंपनी का खर्चा हो जाता है तो उनको लॉस होता है, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर कोरोना काल में जो लोग छुट्टी आए थे उनका क्या है, भाई वो एक अलग, वो एक घटना है, दुर्घटना समझ सकते हो, वो अलग है, वो कुदरत की देन है, उसमें ऐसा नहीं होगा जो लोग छुट्टी आए थे वो बैन हो जाएंगे, उसमें नहीं है। आगे से ये प्रोसेस है, जब से ये रिड्यूल हो जाएगा तब से आपके ऊपर ये नियम लागू हो जाएगा। इन दो चीजों की बड़ी अपडेट मैं मान सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड, सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।